मोहन एक मूर्तिकार है जो सालों से मूर्तियां बना रहा है। मोहन काफी प्रसिद्ध था, इसलिए दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियां खरीदने आया करते थे। मोहन का बेटा था मदन। मदन अपने बाबा से मूर्तिकारी की कला सीख रहा था। बाबा, ये देखिए, ये आंखें कैसी है? ठीक है, पर ये और बेहतर हो सकती है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ बाबा। मोहन के वहाँ से जाते ही मदन का दोस्त विष्णु वहाँ आया। क्या आंखें बनाई है यार तूने? कमाल है। तुझे ये आंखें अच्छी लगी? अच्छी क्या, बहुत अच्छी। मुझे तो लगता है तेरे बाबा भी ऐसी आंखें नहीं बना सकते। पता नहीं, बाबा को जब मैंने ये आंखें दिखाई तो उन्होंने बोला कि और भी ये बेहतर बन सकती है। तेरे बाबा ने अब तक तेरी कभी तारीफ की है? जो अब करेंगे तो उन्हें छोड़। मेरी सुन, कमाल की आंखें हैं। अगर तेरा काम हो गया है तो चल मेले में जाकर तेरे छोटे छोटे मूर्तियां बेचते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, आज मेला है। मैं हूं ना तुझे याद दिलवाने के लिए। मदन और विष्णु सारी छोटी छोटी मूर्तियां लेकर मेले में चले गए। मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां, कलाकारी ऐसी कि देखते रह जाओगे। आओ आओ। विष्णु की आवाज लगाते ही काफी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी और देखते ही देखते सारी मूर्तियां बिक जाया करती थी। ये देख, तेरी मेहनत की कमाई। अगर अभी भी तुझे लगता है कि तू अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता तो दोस्त तू गलत सोच रहा है। अगर अच्छी मूर्तियां ना हो तो लोग इतने अच्छे दाम क्यों देंगे? वो भी है। जब भी मदन कोई मूर्ति बनाता, उसके पिता मोहन उस मूर्ति में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लिया करते थे। ये मूर्ति तो ठीक है, पर इसके हाथ थोड़े और मोटे होते तो और बेहतर दिख सकती थी। ठीक है बाबा, मैं अगली बार याद रखूंगा। ये नुक्स निकालने का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। मदन जब भी अपने बाबा को कोई मूर्ति दिखाता तो उसमें उसके बाबा नुक्स निकाला करते थे। एक दिन की बात है, मदन ने एक खूबसूरत नर्तकी की मूर्ति बनाई थी। बाबा, ये मूर्ति कैसी है बाबा? अच्छी है, बस नर्तकी के बाल और लंबे बन सकते थे। ठीक है बाबा। उस दिन उनके घर एक बहुत रईस सेठ आया, जिसे अपने नए घर के लिए मूर्ति खरीदनी थी। वो सेठ मोहन की बनाई हुई सारी मूर्तियां देख रहा था और तभी उसका ध्यान मदन की बनाई हुई मूर्ति पर गया और बस वो मूर्ति उसे भा गई। मन ने तो यही मूर्ति चाहिए मोहन भाइयों। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी। उस सेठ ने मोहन को अच्छे खासे पैसे दिए और मदन की बनाई वो मूर्ति खरीद ली। सेठ के जाने के बाद, बाबा आपको तो उस मूर्ति में कमियां दिखी थी, फिर वो मूर्ति सेठ को कैसे पसंद आ गई? और आपकी सारी मूर्तियां एकदम सही है, तो इसमें से एक भी सेठ को क्यों नहीं पसंद आई? देखो बेटा, जरूरी नहीं जो मूर्ति सेठ को पसंद आए वो सबको पसंद आएगी। तुम्हें ऐसी मूर्तियां बनानी है जो तुम्हें भा जाए, जिसमें तुम खुद भी कमियां ना निकाल सको। इतना बोलकर मोहन वहां से चला गया और हमेशा की तरह वहां विष्णु आया। अरे, तेरी वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ है? वो बिक गई। बिक गई तो तुझे खुश होना चाहिए ना, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? एक सेठ आया था, उसने बाबा की सारी मूर्तियां देखी, फिर मेरी नर्तकी की मूर्ति देखी और वो उसे पसंद आ गई। सेठ ने मूर्ति के लिए अच्छे खासे पैसे दिए और मूर्ति ले गया। ये तो अच्छी बात है। सेठ के जाने के बाद मैंने बाबा को पूछा कि सेठ को आपकी मूर्ति ना पसंद आकर मेरी मूर्ति क्यों पसंद आई? फिर तेरे बाबा क्या बोले? बाबा बोले, जरूरी नहीं कि जो मूर्ति सेठ को पसंद आए वो सबको पसंद आएगी। मूर्ति ऐसी बनाओ जो तुम्हें पसंद आए। मुझे लगता है ना, तेरे बाबा तेरी कला से जलने लगे हैं। आज के बाद तो उनसे पूछना ही मत। देखते हैं। उस दिन के बाद से मदन ने कभी अपने बाबा से उनकी राय नहीं मांगी। वो खुद मूर्तियां बनाता गया और बेचता गया। कुछ साल में उसके बाबा की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनका आखिरी समय नजदीक था। उन्होंने अपने बेटे मदन को बुलाया। तू हमेशा सोचता होगा ना कि मैं तेरे काम में नुक्स निकालता हूँ, तुझे शायद बुरा भी लगता होगा। आप ये सब अभी क्यों बोल रहे हो बाबा? क्योंकि ये जरूरी है। मैं तेरे काम में नुक्स निकालता था ताकि तू अपनी गलती समझे और आगे अपने आप को सुधारे। अगर मैं पहले तेरी तारीफ करता
तो तुझे लगता कि तू बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, तुझ में घमंड होता और तू और बेहतर मूर्ति नहीं सीख पाता। मुझे गर्व है बेटा, तू आज मुझसे भी अच्छा मूर्तिकार है। मदन ने अपने बाबा को गले लगाया और बस यही उनकी आखिरी यादें थी। मोहन जी गुजर गए। इस घटना को आज 20 साल बीत गए हैं। मदन का बेटा पवन आज मदन की जगह पर है। ये मूर्ति कैसी है पापा? ठीक है, पर इसके होंठ ज्यादा बड़े नहीं है। मैं अगली बार याद रखूंगा। मदन बिल्कुल अपने पापा की तरह नुक्स निकालता है और पवन भले ही निराश हो पर वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। ये सिलसिला शायद चलता रहेगा, शायद पवन भी अपने बेटे के साथ ऐसा ही करे। इस कहानी से हमें एक बात तो समझ आ गई, हर वो व्यक्ति जो हम में नुक्स निकालता है, हमारी गलतियां पकड़ता है, जरूरी नहीं कि वो हमारे बारे में बुरा चाहता है। इसलिए शायद संत कबीर कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थ, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है।